तो सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हेलो, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। हाँ, और आज हम आए हैं बोल्डर बेंड ग्लास वर्क्स, जो है लेवनवर्थ वॉशिंगटन में। वाओ, जरा इन सबको देखो। वाओ, और ये है कांच के स्कल्पचर्स। ओ, ये बहुत ही नाजुक हैं। वाओ, मैं इन्हें संभाल कर उठाऊंगा। वाओ, जरा इसे देखो। हाँ, हम इसमें कई तरह की चीजें रख सकते हैं। ओ, वाओ, वाओ, देखो इसे कितना अच्छे से पेंट किया है। वाओ, मुझे ये जानना है कि इन्हें यहाँ कैसे बनाते होंगे। हाँ, ये सभी के सभी हाथों से बनाई हुई है। यही, हाँ, हाथों से बनाई है। इन्हें मशीन या दूसरी किसी चीज से नहीं बनाया गया है। यहाँ रखी हुई हर एक चीज को हाथों से घुमाया है या फुलाया है। हाँ, और इन्हें दो लोगों ने बनाया है, वो भी यही। ओके, चलो चले, आ जाओ। वाओ, वाओ, जरा इसे देखो। ये लग रही है एक नीली और सफेद प्लेट। मैं इस पर बहुत सारा खाना रखकर खा सकता हूँ। नम 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 नम। या आप इससे सजावट कर सकते हैं। वाओ, देखो कितना अच्छा है। वाओ, जरा इसे देखो। नीला और नारंगी, मेरे दो पसंदीदा रंग। वाओ, कांच कमाल का होता है, क्योंकि देखो ये कितना सख्त है। आओ, लग गया मुझे। पर ज्यादा तापमान पर इसे गर्म करेंगे, हाँ, तो ये पिघल कर एक लिक्विड बन जाएगा, जैसे कि शहद। मुझे शहद पसंद है। वाओ, जरा इस जगह को देखो। वाओ, यहाँ बहुत सारी मशीन्स रखी हुई हैं और टूल्स भी। आइए देखते हैं इसे। वाओ, इन सबको देखो। ये कैची की तरह दिख रहे हैं। पर ये है कांच के लिए। हाँ, हम इसे भी देखेंगे, पर थोड़ी देर के बाद। पर फिलहाल चलो उसे देखते हैं। वाह, जरा इन रंगों को देखो। असल में ये सब हैं कांच के बड़े बड़े टुकड़े। वाह, ये कौन सा रंग है? हाँ, चमकीला लाल। आप सुन रहे हो? सुनो। हाँ, ओके, तो यहाँ थोड़ा लाल, थोड़ा नारंगी, थोड़ा पीला, थोड़ा हरा, थोड़ा फिरोजी रंग ठीक यहाँ पर, और टील, और यहाँ है थोड़ा नीला, और लगता है यहाँ है थोड़ा जामुनी, और यहाँ है थोड़ा सफेद। वाह, क्या बात है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। देखते हैं आज हम कांच से क्या बनाते हैं। वाह, देखो ये सब है कांच के डंडे। वाओ, क्या बात है, ये तो अंदर से रंगीन है। वाओ, ठीक है, ओके, देखते हैं यहाँ पर क्या है। वाओ, ये देखो। हाँ, ये एक सुंदर मेज। यहीं पर हम मेटल के रॉड को घुमाते हैं और कांच इस छोर पर होता है। ये है एक छोटा सा छोटा मेटल का पैडल कांच को चपटा करने के लिए। एक बड़ी सी चिमटी। वाओ, यह है एक डायमंड शीयर्स। इनमें से हर एक टूल को कांच पर अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। वाओ, देखो यहाँ क्या है, एक बड़ा सा पैडल। वाओ, लगता है किसी कांच की वजह से इसका रंग ऐसे काला पड़ गया, ये थोड़ा जला हुआ है आगे से। कमाल की बात है। ओके, यहाँ देखते हैं। हे, ये है एक फ्लफी। हाँ, ये है जैसे एक मशाल। हाँ, इसमें से ऐसे लपटे निकलती है। वाओ, ओहे, देखो, दिखने में लगता है कटोरा। वो क्या बात है, जरूर इसमें कांच डालते होंगे। ओके, चलो वहां देखते हैं। वाओ, इसे देखो। हाँ, ये है एक भट्टी। इसी के अंदर कांच डालते हैं और वो गर्म होता है। वहाँ अंदर बहुत गर्म होता है, इसलिए मैं उसे हाथ नहीं लगाने वाला हूँ। वाह, यहाँ तक गर्मी आ रही है। वाह, जरा इन सबको देखो, कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं।
वाओ, ये कितने रंग बिरंगी हैं। वाओ, पीले, नीले, नारंगी और पीले, जामुनी। वाओ, ये देखो यहाँ पर है मेरे दो पसंदीदा रंग, नीला और नारंगी। कितने मजे की बात है। वो जरा ये देखो, लगता है यह है एक सेफ्टी स्टेशन। आप मुझे जानते हैं, मुझे पसंद है सुरक्षा। इसे देखो, यह है बड़े से मिटेंस। इनसे हम पकड़ सकते हैं बहुत गर्म कांच को, इससे आपके हाथ जलेंगे नहीं। या नीचे, वो लगता है ये है एक हेलमेट। कैसा दिख रहा हूँ? परी लग रहा हूँ ना? वाओ, मुझे प्रोटेक्टिव गियर पसंद है। हाँ, ये हमारी सुरक्षा करते हैं। ओह, एक और भट्टी। कांच को ठंडा करने के लिए उसे इसी जगह रखते हैं लंबे समय के लिए। वो यह एक और भट्टी, पर यह भट्टी है बहुत ही ज्यादा गर्म। सारे साफ कांच यहीं पर बनते हैं। हाँ, और दरअसल इसके अंदर बस लिक्विड ही होता है। वो उसे देखो, ये है एक मशाल और एक गर्म चीज जिसे मैं बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊंगा। वाओ, यहाँ पर कितनी सारी कमाल की चीजें हैं। पर हाँ, हमें यहाँ सावधान रहना होगा। हे, देखो, हाँ, ये है पाइप्स। कुछ पाइप्स में यहाँ छेद बने हुए हैं। आप देख रहे हो? हाँ, इसी छेद से कांच फुलाने वाला फूंक से हवा को आगे करता है और दूसरे सिरे पर कांच का गोला होता है और वो हवा से फूल जाता है, जैसे आप कोई गुब्बारा बनाते हो च्युइंगम खाने के बाद। हाँ, और ये पाइप रखने की जगह है। देखो इसे, इनका काम हो चुका है और ये है बहुत ठंडे और इसलिए मैं इन्हें हाथ में ले सकता हूँ। हाँ, कितनी कमाल की बात है। ये है। वो, बहुत बढ़िया। वो क्या कर रहे हैं? हे, आप दोनों कौन हो? मैं क्रेग हूँ। मैं हूँ जॉरी। ओह, मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ ब्लिपी। आप क्या कर रहे हो? हम कांच फुला रहे हैं हार्ट बनाने के लिए। हमें हार्ट बनाना पसंद है। वो, ये कांच को फुलाकर हार्ट बना रहे हैं। आप हमें दिखाओगे इसे कैसे बनाते हैं? हाँ, हमें खुशी होगी। बढ़िया। इसे ऐसे हवा में क्यों घुमा रही हो? वजह है ग्रेविटी। वाओ, ये क्या कर रही हो? मैं इसे एक सुंदर हार्ट का आकार दे रही हूँ। ओह, लगता है वो है एक चिमटी। देख रहे हो वो क्या बना रही है? हाँ, एक हार्ट। हाँ, प्यार की निशानी। हाँ,
आप इसे यहाँ क्यों रख रहे हैं? यहाँ रखने से वो धीरे धीरे ठंडा होता है, जल्दी ठंडा होने से दरारें पड़ जाती हैं। उसे दिन भर अंदर ही रखते हैं 920 डिग्री पर, और दो दिन बाद ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा। वाह, कमाल की बात है। ये ठंडा होने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, ताकि हम ये हार्ट देख सके। आपने देखा ना, वो बहुत ही कमाल था, उन्होंने कैसे बनाया वो हार्ट। और अब मैं एक हार्ट बनाऊंगा, पर पहले मुझे पहनने होंगे मेरे ये सेफ्टी ग्लासेस। वाह, कैसा दिख रहा हूँ। ये, और अब मैं तैयार हूँ। जरा इसे देखो। वो पहले इसे घुमाना होगा। हाँ, ओ, बहुत मजा आ रहा है। ऑलराइट, ये हो गया। बहुत मजा आ रहा है। वो ठीक है, हम इसे गर्म कर रहे हैं। मैंने चुना नीला और नारंगी, मेरे पसंदीदा दो रंग। आपको कौन से रंग पसंद है मुझे बताइए। वाओ, बहुत ही बढ़िया रंग है। देख रहे हो मैं इसे कैसे घुमा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ग्रेविटी कांच को नीचे खींचती है। हाँ, वो ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। हाँ, ज्यादा गर्म है। हाँ, अब लुकाइए। हाँ, वैसे ही लुढ़काते रहो। वो, हाँ, लगातार लुढ़काते रहो। ऐसे ही। ओके। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है ना। बस ऐसे ही करते रहो, अब तुम रुक सकते हो। ओके। अब इसे ठंडा होने दो। ओके। तुम देख रहे थे कि ये अब तक बहुत हिल रहा था। हाँ। इसे थोड़ा और ठंडा होने दो, ताकि इसके ऊपर और कांच डाला जा सके, जिससे ये बेकाबू ना हो जाए और दूसरे कांच में जाकर मिल ना जाए। ठीक है। ओके, अब ये ठंडा होने लगा है। वाओ, तुमने अच्छा काम किया। थैंक यू। हे, वाओ, मजा आ रहा है। वाओ, कमाल की बात है कि ठंडा होने पर कांच काफी सख्त होता है, पर ज्यादा तापमान पर अगर इसे बहुत गर्म किया जाए तब ये बदल जाता है शहद जैसे घोल में। मुझे शहद पसंद है, पर मैं इस कांच को बिल्कुल भी खाना नहीं चाहूंगा। या शहद को, ये हमें जला सकता है। वाओ, देख रहे हो ये क्या कर रही है। ये इस्तेमाल कर रही है वो चम्मच जैसा डिवाइस, और घुमा रही है, और देखो वो कितना चिकना और सर्कल जैसा हो गया। वाह, और थोड़ी गर्मी, ये हम चले। वो, ओके, ये तैयार है। वो, ऑलराइट, सबसे पहले हमें करना है थपथपाना, हमें इसे घुमाते रहना होगा। ठीक है, क्या ये तैयार है? ऑलराइट, वो, देखो तो, इसका थोड़ा और आकार बदलते हैं। क्या ये हार्ट जैसा लग रहा है? ओके, इसे थोड़ा और गर्म करना होगा, और फिर हम इसे आखिरी आकार देंगे। ओके, अब मैं इसे आखिरी आकार देता हूं, और फिर बाद में वो। ओके, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और अब हमारे इस हार्ट को थोड़ा यहां से खींचते हैं। परफेक्ट। और अब इसे ऐसे रखते हैं। वाओ, अब इसे बीच में से थोड़ा सा सिकुड़े। बिल्कुल ऐसे बीच में से। शायद नहीं, खैर कोई बात नहीं। परफेक्ट। ऑलराइट, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। ओके, बढ़िया दिख रहा है। वाओ, वाओ, कितना मजा आया ना। और अब ये बचा हुआ काम करेंगे,
और फिर उसे उस डंडी से बाहर निकालेंगे। अब हम उस निशान को गर्म कर रहे हैं जो कांच को काटने से बना था, ठीक है? तो इसे गर्म करेंगे, इसे रख देंगे और इस पर मोहर लगाएंगे, ठीक है? बिल्कुल ऐसे। वाहू! आज तो बहुत मजा आ गया आपके साथ यहाँ बोल्डर बेंड ग्लास वर्क्स में। आपको मजा आया? हे, देखते हैं हमने क्या बनाया। हाँ, उन्होंने बनाया ये सुंदर सा पेंडेंट। वाह, हाँ याद है इसे कैसे फुलाया था और हवा भरकर इसे बड़ा बनाया। वाह, देखो तो, ये तो बहुत ही सुंदर है। और फिर उन्होंने बनाया ये नीला सा सफेद सा कटोरा। वाह, इसके अंदर ढेर सारे पॉपकॉर्न रख सकते हैं। वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। वाह, फिर उन्होंने बनाया एक हार्ट। हाँ, ये रंग है पीला और नारंगी। वाह, देखो, कितना अच्छा है ना? और फिर मैंने भी एक हार्ट बनाया। हाँ, मैंने कौन से दो रंग इस्तेमाल किए थे याद है? हाँ, नीला और नारंगी। वाह, ये देखिए। वाह, हमने बहुत अच्छे से काम करके ये बनाया है। वाह, मुझे बहुत मजा आया। ये सब ऐसे दिख रहे हैं ठंडे होने के बाद। हाँ, ये बन गए बहुत ही सख्त। हाँ, और जब ये बहुत ही गर्म थे तब ये लिक्विड की तरह थे। वाओ, हाँ शहद जैसे, पर ये शहद नहीं है, ये है कांच। ठीक है, खैर अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो बस आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। ऑलराइट, बाय बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ वुडलैंड पार्क ज़ू में, जो है सिएटल वॉशिंगटन में। मैं पेंगुइन्स के बारे में सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वाओ, जरा इन एनिमल्स को तो देखो। हाँ, ये है पेंगुइन्स और असल में ये है हम्बोल्ट पेंगुइन्स। ये कितने क्यूट है। हेलो, ये है पेंगुइन्स। हाँ, इनका जन्म स्थान है पेरू में और नॉर्दर्न चिली। हाँ, सुनने में वो एक ठंडा स्थान नहीं लगता है, असल में वो देश एक बहुत गर्म स्थान है। तो ये पेंगुइन्स दरअसल रेगिस्तान में रहते हैं। जरा इस पेंगुइन को देखो। इस पेंगुइन को पसंद है मेरे सस्पेंडर्स। गुदगुदी हो रही है। ये पेंगुइन बहुत ही मुलायम है। हाँ, क्योंकि पेंगुइन्स बर्ड्स होते हैं इसलिए इनके शरीर पे पर होते हैं और ये पर बहुत ही छोटे हैं और ये पूरे शरीर पर होते हैं। कैसे हो दोस्त? क्या आप ये पंख देख रहे हो?
हाँ, इसके पंख ऐसे हैं जैसे दो फ्लिपर्स, और इसी वजह से ये पानी में तैरते हैं बहुत ही तेजी से। पर असल में पेंगुइन्स इन पंखों से उड़ नहीं सकते हैं, पता है? कोई बात नहीं, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे स्विमर हो। वाओ, देखो तो, देख रहे हो इस पेंगुइन के गले पर स्ट्राइप्स नहीं है? हाँ, बस वहाँ छोटे छोटे काले डॉट्स हैं। हे, और जो इसके ठीक पीछे हैं, हाँ, उसके गले के पास वो काली स्ट्राइप्स हैं। ये पेंगुइन एडल्ट है, और आगे वाला ये बच्चा है, और वो पीछे वाला वो एडल्ट है। वाओ, हे, पर इनके आकार लगभग समान ही है। कैसे हो? दिन अच्छा बीत रहा है ना? मेरा तो बीत रहा है। वो ये पेंगुइन्स देख रहे हो? हाँ, ये असल में पेट एनिमल्स लगते हैं ना? हाँ, पर असल में ऐसा नहीं है, पेंगुइन्स अच्छे पेट नहीं बन सकते हैं। हालांकि ये क्यूट हैं। हाँ, इन्हें इसलिए जू में रखा है ताकि हम इनका ख्याल रख सकें और हम इनके बारे में सीख सकें। और जितना ज्यादा हम सीखेंगे इन प्यारे पेंगुइन्स के बारे में, तो दूसरे पेंगुइन्स का भी अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। वाओ, पेंगुइन्स। अभी हम एक्वेरियम के पीछे की तरफ हैं और हम कुछ पेंगुइन से मिलने वाले हैं। आइए। ओके, एकदम आराम से चलते हुए आइए, हमें बहुत शांत रहना होगा। ओके। ओहो, हे, तुम कौन हो? मैं हच हूँ। वो ये है हच। हे, तुम यहाँ क्या करती हो? मैं पेंगुइन्स और रेप्टाइल्स का ख्याल रखती हूँ। पेंगुइन्स और रेप्टाइल्स, देख रहे हो वहाँ पीछे पेंगुइन्स हैं? वाह, हेलो, क्या यहाँ पर सिर्फ वो दो पेंगुइन्स ही हैं? नहीं, अभी बहुत से दोस्त आने बाकी हैं। इनमें से एक खिलौना उठाओगे? हम उनके साथ खेलने वाले हैं। क्यों नहीं, चलिए एक खिलौना उठाते हैं और कुछ और पेंगुइन से मिलते हैं। जरा वहाँ देखो। इन्हें ज्यादा हलचल करने वाले खिलौने बहुत पसंद आते हैं। इसका नाम है वायलेट, और ये तो मैं यहाँ हाय कहने आया है। लगता है कि इसे खिलौने की परछाई पसंद आई। हाँ, ऐसा हमेशा होता है। पेंगुइन्स को बहुत पसंद आते हैं उठावदार रंग। ये रंगों को अच्छे से देख सकते हैं। हमारी तरह इनकी आँखों में भी रॉड्स और कोन्स होते हैं। ठीक है, ये सभी बर्ड्स होकर भी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कोई बिल्ली हो। हाँ, पर थोड़ा ही। इन्हें अलग अलग तरह के खिलौनों से खेलना पसंद आता है, और बिल्ली की तरह ये भी हमें बताते हैं कि इन्हें कब छूना चाहिए। ओके, दिलचस्प है, ये बड़े कमाल के हैं। हे, आओ पास से देखो। ओह, बाय बाय। पेंगुइन्स कितने भोले होते हैं। वैसे ये पेंगुइन्स कहाँ से हैं? इन पेंगुइन्स का ठिकाना है साउथ अफ्रीका। ओके। और यहाँ एक्वेरियम में ऐसे 32 पेंगुइन्स हैं। वाओ, यहाँ 32 पेंगुइन्स हैं, और इन्हें लाया है साउथ अफ्रीका से। रुको, क्या अंटार्कटिका से नहीं? नहीं, अंटार्कटिका नहीं, ये असल में पेंगुइन्स की उन प्रजातियों में से है जिन्हें गर्म जगह पर रहना पसंद है। ओह, ठीक है, ये बहुत ही दिलचस्प बात है, गर्म जगह और पेंगुइन्स। शायद हम हर रोज कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, हम यहाँ चलकर बैठते हैं, और हर्ष यहाँ पर एक पेंगुइन को लाएगी। ओहो, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं एक पेंगुइन को छूने वाला हूँ। वो, हेलो। ओके, तो अब मैं इसे छूने वाला हूँ मेरी दो उंगलियों से, आराम से इसकी पीठ पर। हे, हे, तुम तैयार हो? कौन मिलने आया है? देखो, देखो तो। ओके, ये बहुत ही मुलायम था। लग रहा है? जानते हो, पेंगुइन्स के शरीर पर 70 पर होते हैं पर स्क्वायर इंच। हाँ, वो बहुत ही छोटे और घने होते हैं। क्या मैं फिर से छू सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ओके, तुम्हें अच्छा लगा ना? पसंद आया? ऐसा जानबूझकर कर रही है। ये सर हिला रही है, इसका क्या मतलब होता है?
इसका मतलब ये है कि वो बहुत खुश है और तुम इसके नए दोस्त बन सकते हो। I hope ये मुझे किस ना करे। Hey दोस्तों, हम पेंगुइन्स के खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये रही इनकी पसंदीदा मछली। इसका नाम है ओशन स्मेल्ट। इसे सिल्वर साइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इन पर सिल्वर स्ट्राइप्स होते हैं। मेरे पास दो तरह की मछलियाँ हैं, एंचोवी एंड सार्डिन्स, जो ये समुंदर में खाते हैं। hey, खाना खाने के लिए तैयार हो? तुम्हें भूख लगी है? मैं भी इन्हें खिलाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। वो जरा इस फिश को देखो। अगर मैं पेंगुइन होता तो मैं इसे जरूर खाता। ठीक है, ये लो दोस्त। ओह, ये लो दोस्त, ये एक और है। हे, ये हुई ना बात। शायद इसे बहुत भूख लगी है। ठीक है, इधर आओ। ठीक है, ये फिश बहुत ही छोटी है, ये लो खाओ। ओह बढ़िया, तुम्हें एक और चाहिए? ये लो एक और। ठीक है। एक्सक्यूज मी पेंगुइन्स, ये लो खाओ। ओह, ये लो खाओ। ओह, तुम भूखे हो। फिश इनके लिए बहुत हेल्दी होती है। ऑलराइट। हाँ, जिस तरह हम फल और सब्जियां खाते हैं, हाँ इन्हें पसंद है फिश। तुम खाओगे? तुमने एक भी नहीं खाई। ओह, ओह, यह बहुत सारे पेंगुइन्स को खाना चाहिए। ये लो खाओ। ओह, ठीक है, तुम भी खाओ। यहाँ ये जो पेंगुइन है, ये बहुत भूखा है। हमारे पास यहाँ बहुत सारी फिश है। ओह, ये लो खाओ। वो ओके पेंगुइन्स, तैयार हो जाओ। दो पेंगुइन स्विमिंग कर रहे हैं। वो पेंगुइन बड़ा ही प्यारा है। खैर, आज आपके साथ सीखने में बड़ा मजा आया पेंगुइन्स के बारे में, पर ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ये मैं हूँ ब्लिपी। आज हम मिलने वाले हैं फ्लमिंगो से और ऐसे एनिमल से जिन्हें एम्बेसडर कहते हैं। चलो उनसे मिले। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो आज मैं कहाँ आया हूँ। मैं आज आया हूँ वुडलैंड पार्क जू में, जो है सिएटल वॉशिंगटन में। क्या आप कभी एक जू में गए हो? कमाल का होता है। वहाँ होते हैं बड़े एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, यहाँ तक कि कीड़े भी होते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो चले। वाओ, हम एक एनिमल के घर के पास हैं। बहुत ही मजा आने वाला है।
हो, इसे देखो। ओह, ये है किसी एनिमल का खाना। यम। ओके, मैं इसे यहाँ वापस रख देता हूँ। वाह, और ये है इस एनिमल का असली खाना। हाँ, यही खाना ये हर रोज खाते हैं। हे, इसे देखो। यहाँ ये देख रहे हो? हाँ, यहाँ इसमें थोड़ा पाउडर डाल देता हूँ। अब थोड़ा घुमा लेते हैं और इसे ही ये एनिमल हर रोज खाना पसंद करते हैं। ओके, हम इसे यहाँ वापस रख देते हैं। पर हे, क्या आपने देखा वहाँ क्या पड़ा हुआ है? ओह, शायद ये है एक फेदर। ये उसी एनिमल का होगा जो इस हैबिटेट में रहता है। हाँ, फेदर। बर्ड्स के फेदर होते हैं। और आपने देखा, इसका रंग है गुलाबी। वाह, आप जानते हो कौन सा एनिमल बर्ड गुलाबी रंग का होता है? हाँ, एक फ्लेमिंगो। ओके, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ। और ये खाना उठा लेता हूँ और चलकर किसी एक फ्लेमिंगो को ढूंढते हैं। जॉन है। हे, ओ हाय ब्लिपी, कैसे हो? मजे में, फ्लेमिंगो एग्जिबिट में स्वागत है। थैंक यू, तुम क्या कर रहे हो? आ, बस फेदर्स को जमीन से हटा रहा हूँ और वो है हमारे फ्लेमिंगोस। ओह, आप देख रहे हो वो फ्लेमिंगोस? वाह, क्या मैं पास जाकर इन्हें देख सकता हूँ प्लीज? हाँ, जा सकते हो। ऑलराइट। हे, चलो हम फ्लेमिंगोस को पास से देखते हैं। ओह, हेलो फ्लेमिंगोस। हे, वाह, ये फ्लेमिंगोस कितने प्यारे है ना। वाओ, जानते हो जब फ्लेमिंगोस का जन्म होता है तो वो सफेद रंग के होते हैं। हाँ, सिलेटी या सफेद सा सिलेटी। और जैसे ही ये बड़े होते हैं, ये बदल कर हो जाते हैं गुलाबी, क्योंकि ये जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा गुलाबी रंग होता है। वाओ, ये कितने शानदार हैं। और देख रहे हो उनके पैर कितने लंबे हैं? वाओ, बहुत ही लंबे हैं। एक एडल्ट फ्लेमिंगो के पैर उसके शरीर से भी बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। वाओ, बहुत ही अजीब बात है। हे, आपने देखा उनके पैर कैसे पीछे की ओर मुड़ रहे हैं? हाँ, इंसानों के दोनों पैर आगे की ओर मुड़ते हैं, पर इनके फ्लेमिंगो के पैर पीछे की ओर मुड़ते हैं। आप सोचते होंगे, वो कितने लचीले घुटने हैं। पर हे, मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। देख रहे हो वो छोटा सा एरिया ठीक उनके पैरों के बीच में जो घुटने जैसा लग रहा है, वो असल में है फ्लेमिंगो के एंकल। वाह, कमाल है ना। पर हे, अब हम इसमें से थोड़े खाने को पानी में फेंकते हैं और फिर देखते हैं वो आते हैं या नहीं। ओके, ठीक है, चलो फेंकते हैं। एनिमल एम्बेसडर शो। वाओ, एक और शानदार एनिमल। ये जगह कमाल की है। हे, तुम कौन हो? मैं हूँ सूजी। ओ, मिलकर खुशी हुई। और वो कौन है? ये है हैरी और ये एक स्ट्राइप स्कंक है। वाओ, स्ट्राइप स्कंक। हाँ, ये है काला और सफेद। उस पर वो स्ट्राइप्स क्यों है? इसकी स्ट्राइप्स की मदद से ये प्रेडेटर्स को बता देता है कि उनके इलाके में ये एक स्कंक है, और अगर वो एक स्कंक से पहले मिल चुके हैं तो वो दोबारा स्प्रे नहीं होना चाहेंगे। ओह हाँ, रुको, तुमने कहा स्प्रे। क्या ये वही स्मेल है जो कभी कभी रास्ते से गुजरते हुए आती है? तुम सही समझे ब्लिपी, वो दुर्गंध बहुत तेज होती है और एक बार सूंघने वाला उसे कभी भूल ना पाए, खास करके तब जब एक स्कंक ने आप पर स्प्रे किया हो। पर बताओ कि ये उसे छिड़कते क्यों है? ये ऐसे अपनी रक्षा करते हैं। तो जब एक स्कंक को डर लगता है तो पहली चीज जो हैरी करेगा, वो तेजी से आगे आएगा और हैंड स्टैंड करेगा, जैसे कह रहा हो ओए पंगा मत ले। और अगर वो शिकारी फिर भी आगे बढ़े तो जैसी चेतावनी मिली थी उस पर स्प्रे होगा। ओ, सुनकर बड़ा कमाल लगा कि ये हाथों पर खड़े रह सकते हैं। कमाल है। हैरी क्या खा रहा है? आज ये खा रहा है इंसेक्ट्स। इसे बग्स पसंद है, सब्जियां पसंद है, फल, और ये मीट भी खाता है। वाओ, हैरी कितना कमाल का है। मुझे स्कंक्स पसंद आए। वो देखो तू, एक और प्यारा एनिमल। वाओ, ये है एडवार्डो। हेलो एडवार्डो। वाओ, एडवार्डो है एक तीन बैंडेड वाला आर्माडिलो।
ओह, और लगता है ये खा रहा है कुछ कीड़ों को। ये बहुत ही यम्मी है। इसके लिए मुझे इजाजत मिल गई है कि मैं अंदर जा सकूं। पर इसे जरूर ऐसा लगेगा कि मेरे जूते बहुत ही कमाल के हैं, क्योंकि ये सूंघते हैं। तो चलो अंदर चलकर देखते हैं कि ये क्या करता है। हेलो, हे, कैसे हो? ओह, इसे देख रहे हो? ओह, इसके शरीर पर एक बहुत ही हार्ड शेल है। हाँ, 3 बैंड वाला आर्माडिलो। ये ऐसे होते हैं जो एक बॉल जैसे बन सकते हैं। पर ये वैसा अभी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मुझसे फिलहाल डर नहीं रहा है। हाँ, ये अभी सुरक्षित महसूस कर रहा है। हे, आप देख रहे हो ये कैसे सूंघ रहा है? वो, ये बहुत ही क्यूट है। इसकी उंगली के नाखून बड़े ही लंबे हैं, या पंजों के नाखून, और इसके शेल के नीचे छोटे छोटे बाल भी है। वाओ, जरा देखो तो। वाओ, देखो तो, देखो, ये है एक हॉक। एक सेकंड रुको, तुम कौन हो? मेरा नाम है लिंजी, मैं यहाँ एनिमल्स का ख्याल रखती हूँ। वाओ, और इस हॉक का क्या नाम है? ये है सिस्को, ये एक 32 साल का हेडसिस हॉक है। वाओ, सिस्को बहुत ही सुंदर है। वाओ, कितने प्यारे पंख हैं। क्या वो पंख बहुत बड़े हैं, या पतले, या छोटे? इसके पंख बड़े और चौड़े हैं, जो तैरने के लिए अच्छे हैं, पर ये तेजी से छलांग नहीं लगा सकता। ओह, वाओ, क्या ये झुंड में रहते हैं या अकेले? हेडसिस हॉक बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि ये दूसरे हॉक्स के साथ परिवारों का झुंड बनाकर रहते हैं। वैसे ज्यादातर शिकारी पक्षी अकेले रहते हैं। ओह वाओ, मुझे सिस्को की आंखें बहुत पसंद आई। इनमें क्या खास बात है? हेडसिस हॉक्स और दूसरे शिकारी पक्षियों की नजर बहुत तेज होती है। कमाल की बात है, और कितनी प्यारी चोंच है। देखो तो, ये बहुत तेज लग रही है। क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? क्यों नहीं। वाओ, जरा सिस्को को देखो तो सही। वाओ, वो ये कितना शानदार है। वाओ, हे सिस्को। वाओ। वाओ, और एक लाजवाब एनिमल। वाओ, ये है एक बर्रोविंग आउल। वाओ, इसका क्या नाम है? ये है पापू। वाओ, मिलकर खुशी हुई पापू। मैं हूँ ब्लिपी। आपने पापू की आंखें देखी? ये कितनी बड़ी और पीली हैं। वाओ, मतलब इनकी भी नजर तेज है? आउल्स की नजर बहुत तेज होती है। वाओ, पापू कितना छोटा है। क्या ये अभी एक बच्चा है? नहीं, ये पूरी तरह से बढ़ चुका है। वाओ, क्या ये भी दूसरे आउल्स की तरह रात में खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलता है? तो दूसरे आउल्स निशाचर होते हैं, मतलब वो रात में जागते हैं, लेकिन ये दिन के समय जागता है। ओह, क्या बात है, पापू बहुत ही ज्यादा क्यूट है। वाओ, मुझे इसे पालने का मन कर रहा है, पर मैं नहीं करूँगा। क्या मैं इसे पास से देख सकता हूँ? क्यों नहीं। जरा इसे देखो, ये है अनाही। हाँ, ये बहुत ही प्यारी है। वाओ, देखो ये कैसे जीभ बाहर निकाल रही है। हाँ, ये बार बार अपनी जीभ इसलिए बाहर निकाल रही है ताकि ये सूंघ सके। कमाल की बात है ना, हम हमारी नाक से सूंघते हैं, पर ये अपनी जीभ से सूंघती है। हाँ, और ये है एक रेडटेल बोआ कंस्ट्रिक्टर। वाओ, देखो ना, ये कितने मजे से इस पेड़ से लिपट कर आराम कर रही है। हेलो। वाओ, उम्मीद है इसका दिन मजे से बीत रहा है। वाओ, ये बहुत ही बड़ी है। अभी ये लगभग 7 फुट लंबी है। हाँ, ये लगभग 2.3 मीटर्स होती है। वाओ, मगर असल में ये और बढ़ने वाली है। ये इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। वाओ, हाँ, ये बढ़ सकती है 12 फुट तक। वो होता है लगभग 4 मीटर। वाओ, ये बहुत ही कमाल की है। हा?
वाओ, देखो तो ये है ब्लू और ब्लू है एक ब्लू टंग्ड स्किंक। ये एक सांप जैसी दिखती है कि नहीं? हाँ, पैरों वाला सांप। पर ये नहीं है, ये असल में है एक लिजर्ड। वाओ, ये बहुत ही कमाल दिखती है। वो आपने इसकी जीभ देखी? हाँ, ये नीले रंग की है, तभी इसका ये नाम है। शिकारियों को लगता होगा कि जरूर इसकी जीभ जहरीली हो सकती है। हाँ, वो आप इसके कान देख रहे हो? वाओ, ये दूर की आवाज भी सुन सकती होगी। वाओ, हे, कैसी हो? तुम्हारा दिन कैसा बीत रहा है? वाओ, वाओ, देखो ये है टट और ये है काइरो। वाओ, देखो तो, हे, ये दोनों इजिप्ट के टॉर्टोसेस हैं। हाँ, जब हम टॉर्टस सुनते हैं तब लगता है वो बड़ा सा होगा, पर असल में इनका आकार इतना ही बढ़ता है। वाओ, दोनों कहाँ जा रहे हो? दोनों को भूख लगी होगी। ये दरअसल रहते हैं रेगिस्तान में। हाँ, वाओ, और तभी तो इन्हें कहते हैं इजिप्शियन टॉर्टसेस। वाओ, देखो ये कैसे इसका पीछा कर रहा है। वाओ, बहुत ही मजेदार है। हेलो पेंगुइन, ये आपने उसे देखा? वो था एक प्यारा पेंगुइन। आज सिएटल वॉशिंगटन के वुडलैंड पार्क ज़ू में आप सबको बहुत मजा आया ना? हाँ, मुझे इन सभी एनिमल्स को देखकर बहुत ही मजा आ गया। हे, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? वाओ, कमाल का एनिमल है। खैर, ये वीडियो यही खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। ऑलराइट, फिर मिलते हैं। बाय। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम कुछ शानदार समुद्री जीवों से मिलने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, चलो चलते हैं। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो मैं कहाँ हूँ। हाँ, आज मैं हूँ मरीना पर। हाँ, मरीना पानी से भरा एरिया जहाँ होते हैं बहुत से बोट्स। हाँ, कमाल है ना। हे, जरा उधर देखो। वाओ, हम आज आए हैं मरीन लाइफ सेंटर में, जो है बेलिंगहैम वॉशिंगटन में, और आप और मैं कुछ कमाल के जीवों और फिशेस के बारे में सीखेंगे। हाँ, मुझे फिश पसंद है। चलो। वाओ, ओह हे, तुम कौन हो? हाय, मैं हूँ केसी, तुम कौन हो? मिलकर खुशी हुई केसी, मैं हूँ ब्लिपी, तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ छत पर मेरे कुछ समुद्री दोस्तों की तस्वीर बना रही हूँ। वाह, तुम जो बना रही हो वो शार्क्स है ना? सही कहा, वो है डॉग शार्क्स। ओह, क्या बात है, ये एक बहुत अच्छी पेंटिंग है। पर हे, अगर मैं यहाँ थोड़ी सैर करूँ तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। वाह, जरा इस जगह को देखो। वाह, मरीन लाइफ के बारे में सीख कर बहुत मजा आने वाला है। चलो। जरा यहाँ देखो। हाँ, इसे देख रहे हो आप? ये है एक स्केट। हाँ, इसे आसानी से नहीं देख पाते क्योंकि ये अपने पास वाली किसी भी पत्थर जैसा रंग बदल लेती है, देख रहे हैं? हाँ, हम दोनों का रंग भी बिल्कुल सेम है। जैसे कि आप ये जीव को देख रहे हैं, हम दोनों का रंग है नारंगी। स्केट पत्थर जैसा रंग ले लेती है और इसे हम कहते हैं कैमोफ्लाज। हाँ, ऐसे इसे शिकारियों से छुपने में मदद मिलती है। वाओ, जरा इन्हें देखो। अंदर कितनी प्यारी प्यारी फिशेस हैं। हेलो, हे, वाओ, ये इधर उधर तैर रही हैं और लगता है उन्हें बहुत मजा आ रहा है। ओ, यहाँ अंदर और क्या है? ओ, यहाँ है कुछ सीवीड और कुछ पत्थर। हाँ, केसी कहती है यहाँ अंदर एक ईल भी है। ओहो, और वो इसे अभी खाना खिलाएगी। हे ब्लिपी, तुम्हें वुल्फ ईल नजर आई? वो अभी अपने गुफा में छुपी हुई है। कभी कभी जब उसे भूख लगती है वो हेलो कहने बाहर आती है। चेहरे से ये गुस्सैल लगती है
पर ये मेरी अच्छी दोस्त है। इसे खाना खाने में बहुत मजा आता है और इसे सबसे ज्यादा पसंद है श्रेम। देखते हैं खाती है या नहीं। ओहो, यहाँ कितने कमाल के एनिमल्स हैं। मुझे ये सभी जीव बहुत पसंद है। ओहो, ये देखिए। वाओ, इस बर्तन के अंदर है कुछ केल्प क्रैप। ओहो, आप देख रहे हो। ओह, ये देखिए। मैं जरा ये केल्प हटा देता हूँ। ओह, देखो वो रहा। ओहो, इस केल्प क्रैप की खास बात है, हाँ वो है इसका कैमोफ्लाज। हाँ, ये चीजों को खाकर कैमोफ्लाज बनाता है। अगर ये हल्के भूरे रंग की कोई चीज खाता है तो ये खुद भी हल्के भूरे रंग में बदलने लगता है, या अगर ये गहरे भूरे रंग की कोई चीज खाता है जैसे कि ये केल्प का टुकड़ा, तो फिर ये बदल जाएगा इस केल्प के गहरे भूरे रंग में। ओह, क्या बात है। ओ, देखो एक श्रिम्प। हेलो श्रिम्प, तुम बहुत ही प्यारे हो। मैं तुम्हें प्यार करूं? हाँ, अच्छा लग रहा है। ओह, क्या बात है, ये बहुत प्यारा है। हे, श्रिम्प से याद आया, जरा इसे देखो। वाह, ये एक श्रिम्प की तरह ही दिख रहा है ना। हाँ बिल्कुल, श्रिम्प के शेल जैसा। वाह, हाँ श्रिम्प और क्रैब ये बदलते हैं अपने मोल्ट। हाँ, इस तरह से इनकी बाहर की सतह, इनकी शेल, हाँ इनसे अलग होती है। और ये ओ, 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 ये है बस एक श्रिम्प की शेल, क्योंकि ये श्रिम्प से अलग हुआ है। ओ, जरा इन जीवों को देखो। वाह, ये दोनों है एक हर्मिट क्रैब्स। वाह, हाँ ऐसे क्रैब्स जो शेल के अंदर होते हैं। वाह, देखो जब मैं इन्हें उठाता हूँ तब क्या होता है, ये शेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। वाह, आपने वो देखा। वाह, हाँ पहले ये शेल के बाहर की ओर था लेकिन अभी ये अंदर की ओर चला गया खुद को बचाने के लिए। ठीक है, मैं इसे आराम से यहाँ वापस रख देता हूँ। वाह, इस टंकी को देखो, लगता है इसके अंदर है कुछ क्रैब्स, कुछ फिश। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये सीवीड, और आप नीचे उन फिशेस को देख रहे हो। हेलो फिश। हे, तुम्हें भूख लगी है? हे, अब ये देखो, मेरे पास इन फिशेस के लिए एक लजीज खाना है। और हाँ, असल में ये खाने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। हाँ ठीक, जैसे कि आप और मैं हर रोज हरी हरी सब्जियाँ खाते हैं, हमारे लिए अच्छी होती है। ठीक है, ये लो प्यारी फिश। ऑलराइट, बहुत खूब। जरा इन शेल्स को देखो, ये बहुत ही सुंदर है। और ये वाली कितनी बड़ी है, जरा देखो। हो, ये लगभग मेरे हाथ जितनी बड़ी है। वाओ, ओके, वो, और ये वाली बड़ी ही चमकीली है। वाओ, और ये वाली बहुत ही है नुकीली। वाओ, वो, एक और नुकीली शेल, पर इस पर छोटे छोटे नोक बने हैं। ओह, ये सभी लाजवाब हैं। ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है? देखो, एक एनिमल का खिलौना, और ये खिलौना है एक स्टिंगरे। वही वही। हे, मेरे पास एक आइडिया है, चलो यहाँ शेयर करते हैं और देखते हैं हमें कोई और खिलौना मिलता है या नहीं। ओह, देखो तो, एक बड़ा सा सी टर्टल। वाह, सी टर्टल बड़े कमाल के होते हैं। ये पानी के अंदर बड़े ही शान से तैरते हैं, आराम से, शांति से, शान से। ये बहुत ही प्यारा है। ओके, फिर मिलते हैं। वो, देखो तो, यहाँ है दो सैल्मन। वो, लगता है ये वाली तैर रही है और दूसरी वाली नहीं। वो, देखो कैसे तैर रही है। वाओ सैल्मन, एक बढ़िया फिश है ये। ये बहुत बड़ी होती है। ये दोनों बहुत ही छोटी सैल्मन है। ओके, अब मैं इन्हें यहाँ रखता हूँ ताकि ये नीचे ना गिरे। वाओ, एक बड़ा सा सी लायन। वैसे ये खिलौना सच में बहुत छोटा है क्योंकि सी लायन बहुत ही बड़े होते हैं।
वो ऐसी आवाज करते हैं बड़ी मजेदार आवाज है। ओह कितना प्यारा है। ओके तुम्हें यहाँ वापस रख देते हैं। वो हमने एक और ढूंढ लिया। वाह एक बड़ा सा क्लैम। देखो बाहर से ये सख्त होता है। हाँ वो देखो ये तो खुल गया। आप देख रहे हो अंदर क्या है। हाँ हमें मिला है एक पर्ल। ओह ये बहुत ही खूबसूरत है। ओह और चमकीला भी। मैंने कहीं सुना था कि पर्ल्स ये इरिटेशन की वजह से बनते हैं और शायद वो सच है। ओह जरा यहाँ देखो। वाओ ये है एक और शेल। हाँ ये है एक हर्मिट क्रैब। जरा देखो वैसा ही लग रहा है ना। और ये शेल के अंदर वापस चला जाता है सुरक्षा के लिए। देखा। हाँ ये जमीन पर ऐसे रहता है और फिर ये बाहर आता है। देखा और ऐसे चलकर बाद में अंदर जाता है। ओके तुम्हें यहाँ रख देते हैं फिर मिलते हैं। वो एक और जीव। हाँ ये है एक फिश। और देख रहे हो ये कितनी चपटी है। हाँ ये से नीचे बैठती है और इसकी दोनों आंखें शरीर के ऊपर की ओर होती है। हाँ और ये बस समुद्र की सतह पर बैठी रहती है। और ये है एक हैलिबट। और हैलिबट असल में बहुत बड़ी है। हाँ ये उसके सामने बहुत छोटी है। ये बहुत ही प्यारा है। आप जानते हो ये कौन सा एनिमल है। हाँ ये एक हिंट है। हाँ ये है एक सी हॉर्स। हाँ ये एक हॉर्स जैसा ही दिखता है। ओह कितनी प्यारी घुमावदार पूंछ है। और देखो यहाँ क्या है इसके छोटी सी जेब में। इसके तीन छोटे छोटे बच्चे। हे वाओ तुम बहुत रंगीन हो। ओके चलो देखते हैं। वो यहाँ और भी है। हाँ जरा इसे देखो एक किलर वेल। हाँ एक और का। ओ वाओ ये बहुत ही प्यारी है। वाओ एक ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बहुत होशियार होते हैं। हाँ और इनकी होती है 8 लंबी टांगे। वो इन पर सकस भी होते हैं जिससे पकड़ बनाते हैं। ओके इसे रख देते हैं। ओह लगता है यहाँ पर कुछ वेल्स रखी हुई है। वाओ वेल्स असल में होती है बहुत बड़ी। मेरा मतलब बहुत बड़ी। और ऊपर आके सांस लेती है ये ऐसे। और फिर सांस लेती है फिर पानी के अंदर जाती है और अंदर ही रहती है लंबे समय तक। आओ ये देखो एक बलूगा वेल। वाओ ये कितनी सफेद और प्यारी है। हाँ ये लगती है जैसे ये हो बर्फ। हाँ बलूगा वेल्स को असल में बहुत ही ठंडे और बर्फीले पानी में रहना पसंद है। वाओ देखो तो हे ये क्या है। ये है एक क्रैब का पिंजरा और आज तो पिंजरे में बहुत सारे क्रैब्स फंसे हैं। सही कहा देखो तो कितने सारे हैं। ये किस तरह के क्रैब्स हैं? इन्हें कहते हैं ग्रेसफुल या स्लेंडर क्रैब्स। ये डंजनस क्रैब से बहुत मेल खाते हैं। तुमने डंजनस क्रैब्स देखे हैं? वो इनसे थोड़े बड़े होते हैं ना। हाँ सही कहा। और ये इतने ही बड़े होते हैं। वो क्या एक को बाहर निकाल कर पास से देख सकते हैं? इससे अच्छा दो को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कौन नर है और कौन मादा है। ओके मजा आने वाला है। वो देखो तो हमने दो क्रैब्स को बाहर निकाल लिया है। ऑलराइट ओके कैसे पता चलेगा कि कौन नर है और कौन मादा है। बहुत अच्छा सवाल है सब अक्सर पूछते हैं। मैं पहले मादा से शुरू करती हूँ। इसे आराम से उठाते हैं और इसके पेट को देखते हैं। आराम से इसे पीठ के बल घुमाओ ऐसे वो शांत हो जाती है। मादा के पेट पर ऐसा एक चौड़ा ट्रायंगल बना होता है जो नर पर नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पेट में अपने अंडों को रखती है जिससे ज्यादा जगह लगती है। नर को इतनी जगह नहीं चाहिए। ओके मतलब कि ये एक मादा है और ये एक नर है। बिल्कुल सही कहा। वो देखो तो वाह ये बड़े ही कमाल है। और अब मैं क्रैब की नकल करूंगा। हाँ
साथ मिलकर मरीन लाइफ के बारे में सीखकर बहुत मजा आया ना। बहुत ही कमाल था वो प्यारी फिशेस और इतने प्यारे प्यारे जीव। वाओ कितना अजीब है वो सब कैसे पानी के अंदर रहते हैं और आप और मैं जमीन पर रहते हैं। हाँ ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं पानी को साफ सुथरा रखने में मदद करें। खैर ये वीडियो यही खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है तो मैं सीखना जारी रखता हूँ। हेलो दोस्तों, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम मिलने वाले हैं एनिमल्स से। जू के दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो? चलो। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ वुडलैंड पार्क जू में जो है सिएटल वॉशिंगटन में। हे इसे देखो, ये एरिया है जू की जानकारी का एरिया। हाँ और यहाँ जू का नक्शा भी लगा हुआ है। सोच रहा हूँ आज हम जू में कौन से एनिमल्स देखने वाले हैं? ओह शायद हम देखेंगे एक ग्रिजली बेयर, बहुत मजा आएगा। या फिर देखो यहाँ पर गोरिल्ला भी है। और इस जगह तरह तरह के एनिमल्स हैं, जैसे कि फ्लामिंगोस। वाओ देखो ये एनिमल कितना ऊंचा है, ये है एक जिराफ। ये तो एक बहुत ही ऊंचा एनिमल है। खैर हम यहाँ पर बहुत से एनिमल्स के बारे में सीखेंगे, चलो चले। जरा इस जगह को देखो। हाँ ये हैबिटेट तो अलास्का जैसा दिखता है, या पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट, या कनाडा। और मैं लाया हूँ इन एनिमल्स के लिए खाना। लेकिन हाँ आपको पहचानना होगा कि ये हैबिटेट किस एनिमल का है। हाँ वो है एक बेर, एक बहुत ही बड़ा बेर। वो है भूरा। हाँ ये है एक ग्रिजली बेर। वो कितनी कमाल की बात है। हे ठीक है मुझे परमिशन मिल गई, मैं ये खाना और एनरिचमेंट यहाँ फैला सकता हूँ ताकि बेर इसे मजे से खा सके। चलो चले। ओके मेरे पास है ये कॉफी ग्राउंड्स, देख रहे हो? हाँ ये बस एक साधारण कॉफी है। अब थोड़ी इसे यहाँ छिड़कते हैं। हाँ शायद वो बेर इसमें लोटपोट हो जाए, बेर को कॉफी में लोटपोट होना पसंद है। ओके थोड़ी यहाँ छिड़कते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। और शायद थोड़ी यहाँ पर, बहुत बढ़िया। ठीक है अब इसे यहाँ रख देते हैं और हम इसे जाने से पहले यहाँ से उठा लेंगे। ठीक है अब इन्हें देखो, ये है बिस्किट्स। इस ग्रिजली बेयर को ये बिस्किट्स बहुत पसंद है, इसलिए मैं बस इन सबको यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ। बढ़िया ठीक है अब मैं 3-4 रास्ते में फेंकता हूँ। ठीक है ये क्या है, पम्पकिन पाई का मसाला। याम ठीक है इसमें से थोड़ा मसाला यहाँ छिड़क देते हैं। ठीक है अब भी कुछ बिस्किट्स बाकी है, अब इसे देखो। हाँ इसके अंदर बहुत सारे फल और सब्जियां हैं। मुझे फल और सब्जियां पसंद हैं, जैसे कि ये सेलरी पीनट बटर के साथ और थोड़े शहद के साथ। यम देखिए यहाँ पर है कुछ अंगूर। यम और है थोड़े पेयर्स, और है थोड़े गाजर, और थोड़े सेब, और थोड़ा तरबूज। हाँ थोड़े बिस्किट्स यहाँ रख देते हैं, यहाँ इस छोटे से आइलैंड पर। ठीक है बढ़िया, इस खाने की खुशबू बहुत लाजवाब है। ठीक है थोड़ा और पम्पकिन का मसाला छिड़कते हैं। तैयार, और अब मैं वहाँ नीचे तक चल कर जाऊंगा ताकि थोड़ा खाना वहां पर भी रख सकूं।
वाओ, पता है आज तो ये बैर बहुत ही टेस्टी खाना खाने वाला है। हे, और अब मैं मेरा डिब्बा उठा लेता हूँ और फिर बैर यहाँ आएगा और इस टेस्टी खाने के मजे लेगा। वाओ, यहाँ देखो, वो है कीमा। कीमा एक बड़ा सा ग्रिजली बेर है और हमने जो खाना रखा था उसे वो मजे से खा रहा है। बहुत अच्छे, चलो उसे देखते हैं। देखो तो, ये है डेव और डेव है एक जिराफ। ये बहुत ही ऊंचा है। ये लो खाओ डेव। मैं डेव को खिला रहा हूँ थोड़े रोमेन लेटस। डेव को रोमेन लेटस बहुत पसंद है। हे, कैसे हो? वो जरा यहाँ देखो, डेव अपनी जीप से हाथों का काम कर रहा है ताकि ये खाने को उठाकर अपने मुंह में डाल सके। वाव, डेव है बड़ा ही कमाल का। ये लो खाओ डेव, बढ़िया। ठीक है, बाद में मिलते हैं, मुझे अभी और एनिमल से भी मिलना है। चलो चलें। हम अभी हैं गोरिल्ला के हैबिटेट में। वाओ, जरा देखो उसे, वो बहुत ही क्यूट है। वाओ, अभी वो वहाँ पर खाना डाल रहे हैं ताकि ये गोरिल्ला थोड़ा नाश्ता कर सके। मुझे भी नाश्ता पसंद है। पता है इन गोरिल्ला के ग्रुप को दरअसल कहते हैं एक ट्रूप। वाओ, ग्रुप राइम करता है ट्रूप से। वाओ, वैसे सभी गोरिल्ला असल में एक मादा है, बस दो को छोड़कर। क्या आपने वो बड़ा वाला देखा जिसकी पीठ सिल्वर जैसी है? हाँ, वही गोरिल्ला इन गोरिल्लाओं की ट्रूप का मुखिया है और उसका नाम है सिल्वर बैक। और ये सभी गोरिल्ला वेस्टर्न लोलैंड के गोरिल्ला हैं। वाओ, और यहाँ पर एक दूसरा नर भी है और वो भी बहुत छोटा है। ओ, बहुत ही क्यूट है। ठीक है, चलो इन्हें खाना खाते देखते हैं। देखो तो, हाँ, ये है गार्डन फ्रूट चेफर्स। ये एक तरह के बीटल्स हैं। देख रहे हो ये किस तरह का खाना खा रहे हैं? वाओ, हाँ, ये है कुछ केले। यम, मुझे भी केले पसंद है। वाओ, देखो मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ बग वर्ल्ड लैब में। हाँ, यहीं पर ये सारे के सारे बग्स रहते हैं, खाते हैं, सोते हैं। हाँ, और यही इनकी रहने की जगह है। वाओ, लगता है यहाँ बहुत सी टरेंचुलास रखी हुई हैं। वाओ, और यहाँ नीचे है एक स्टिक इंसेक्ट, एक न्यू गिनी का स्टिक इंसेक्ट। वाओ, ये कितना लाजवाब है। वाओ, यहाँ पीछे तो कई तरह के बग्स रखे हुए हैं। वाओ, यहाँ तो और ओह, स्पाइडर्स। ओह, ये है एक जहरीले स्पाइडर्स। मैं तो बिल्कुल भी ये डिब्बा नहीं खोलने वाला हूँ। पर हे, अगर हम दूसरे कमरे में जाते हैं तो कुछ बग्स बाहर निकाल सकते हैं ताकि हम उन्हें और भी करीब से देख सके। चलो चले। वो, देखो तो, ये है जंगल निम्फ। वाओ, ये कौन से रंग की है? हाँ, इसका रंग है हरा। मैं पहले से जानता था कि ये एक मादा है क्योंकि इनके नर
भूरे होते हैं और ये है हरी। हाँ, देखो ये कैसे एक लीफ की तरह दिखती है। हाँ, ये एक हरे लीफ जैसी दिखती है, पर अगर ये नर होता तो वो एक भूरे लीफ जैसा दिखता। वाव, जंगल निम्स दुनिया के सबसे भारी इंसेक्ट होते हैं। हाँ, ये अब तक पूरी तरह से बड़ी भी नहीं हुई है और इसका आकार देखिए। वाव, लगता है जैसे ये स्ट्रेचिंग कर रही हो। कमाल की बात है। वाव, ये बहुत ही कमाल लग रही है। वाव, वाव, देखो तो। हाँ, लगता है ये है एक स्पाइडर। वाव, देखो ये कितनी बड़ी स्पाइडर है। ये असल में है एक चिली की रोज हेयर टेरेंचुला। वाव, हेलो। पहले मुझे स्पाइडर से बहुत डर लगता था, पर अब डर नहीं लगता और ये तो बहुत शांत स्पाइडर है। हाँ, अगर मैंने इसे हाथ पर छोड़ दिया तो ये मुझे काटेगी भी नहीं। ये स्पाइडर बहुत शांत है और इसके ऊपर बहुत से बाल है, जरा उसे देखो तो। हाँ, ये असल में एक मादा है। वो, और इसकी उम्र लगभग 17 साल की है। वाह, ये छोटी इंसेक्ट कितनी क्यूट है, पर इतनी भी छोटी नहीं। ये बहुत बड़ी है। वाह, ये क्या है? ये है फ्लैम्बॉयंट फ्लावर बीटल्स। वाह, ये बड़े चमकीले हैं। हाँ, इनके ऊपर दो अलग अलग रंग हैं, एक हरा और एक पीला। आओ, इनके दो सिंग होते हैं, जो नर होते हैं। हाँ, उनके सिंग होते हैं और लगता है उनका रंग है लाल, नारंगी सा। वाह, देखो ये लॉक पर कैसे बैठे हुए हैं। इन्हें पेड़ से गिरे फल खाना बहुत पसंद है। यम, मुझे भी फल खाना पसंद है। वाह, देखो तो, मेरे पास है कुछ क्रस्टेशंस जो इस पिक्सी ग्लास पर पड़े हैं। ये है परचूला स्नेल्स। वाव, ये तो बहुत क्यूट है। आपने देखा इनके ऊपर है ये हार्ड शेल्स। हाँ, ये इनकी रक्षा करता है। वाव, इन्हें लाया है एक टिहिटी के एक एरिया से। वाव, मुझे टिहिटी बहुत पसंद है, वहाँ की धूप बहुत सुंदर होती है। खैर, असल में ये स्नेल अब बाहर की दुनिया में नहीं बचे हैं। ये अब सिर्फ जू में ही पाए जाते हैं। कमाल की बात है ना? हम असल में इन्हें इनके असली हैबिटेट में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए बस इन्हें ऑब्जर्व करते हैं और इन्हें खाना खाते हुए देखते हैं। हेलो। आज एनिमल्स के बारे में सीखकर मजा आया ना? यहाँ वुडलैंड पार्क जू सिएटल वॉशिंगटन में। हाँ, बहुत मजा आया। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, तो मैं एनिमल्स के बारे में जाकर और सीखता हूँ। ये मैं चला। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और मेरे पास एक बड़ी ही शानदार फायर ट्रक है। और ये बिल्कुल एक असली फायर ट्रक जैसी दिखती है। यहाँ है होज और हॉर्न्स, कांगोंग कांगोंग। और यहाँ है बहुत ही बड़े व्हील्स एंड टायर्स। कितना मजा आता ना अगर हम सब भी होते एक असली वाले फायर फाइटर। देखो तो, ये तो एक असली वाला फायर फाइटर पोल है। हे, चलो हम इससे नीचे उतरते हैं। ठीक है, हम नीचे उतरेंगे 3 गिनने पर। तैयार हो? चलो, ये हम चले। 1, 2, 3। वाओ, मुझे इसके बाद जरा सा चक्कर आ रहे हैं। ओह, देखो तो, एक फायर फाइटर। हेलो। सच में फायर फाइटर का काम बड़ा ही जरूरी होता है, क्योंकि वो सब लोगों की जान बचाते हैं और आग को बुझाते हैं एक बहुत ही बड़े वाटर होज से। हे, देखो, हम ये भी काम कर सकते हैं। हम बन सकते हैं एक पायलट। हाँ, और उड़ा सकते हैं बड़े बड़े एयरप्लेन्स। हे, या हम बन सकते हैं एक इंजीनियर।
पर इंजीनियर्स क्या करते हैं? वो मैथ में बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, जैसे कि नंबर्स को जोड़ना या नंबर्स को कम करना। और वो बनाते हैं सभी तरह के प्लेन्स और फिर दूसरे लोग उसे बनाते हैं। कमाल की बात है ना? हे, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? वो तो एक शानदार काम है, मुझे भी वही बनना है। हे, मेरे पास एक बहुत ही कमाल का आइडिया है, क्यों ना आज आप और मैं एक ऐसी जगह चलते हैं जहां हम नाटक करेंगे एक साथ कई तरह के काम करने का। ओह, मुझे तो अभी से ही बहुत मजा आ रहा है। और फिर आप आपकी पसंद का काम कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलोगे? चलो चलते हैं। आपसे वहां मिलता हूँ। हम आ गए हैं ग्रेट एक्सप्लोरेशन चिल्ड्रंस म्यूजियम में, जो है सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में। और आज हम जिस बारे में सीखने वाले हैं वो है जॉब। चलो चले। ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। ये है एक पिज्जा अवन और ये होता है एक पिज्जा रेस्टोरेंट में। बड़े होने के बाद आप एक काम कर सकते हो, आप बन सकते हो एक शेफ। शेफ बड़े ही कमाल होते हैं। शेफ्स इंचार्ज होते हैं उस खाने के जो बनाया जाता है एक रेस्टोरेंट में, और मुझे पिज्जा बनाना बहुत पसंद है। वो बहुत ही टेस्टी होता है। hey, मेरे पास एक आइडिया है, चलो आप और मैं आज एक पिज्जा बनाते हैं। ठीक है, तो चलो बनाएं। पहले हमें चाहिए होगी एक पिज्जा पैडल, ताकि हम पिज्जा को एक गर्म ओवन में डाल सकें, क्योंकि हमें उसे छूना नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। और हम लेंगे एक मेटल प्लेट। तो पहले हमें करना होगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक पिज्जा डो। अब पिज्जा डो को यहाँ रखते हैं। वो और कभी कभी हमारा ये पिज्जा डो एक छोटी सी बॉल के शेप में आता है, तो हाँ इसे स्ट्रेच करिए और कभी कभी स्पिन करिए। वो ठीक है ऐसे, और फिर ये ऐसे बन जाएगा एक सर्कल। हाँ देखो, यह है एक सर्कल। बहुत खूब। ठीक है, अब पिज्जा डो को नीचे रखते हैं और अब हम इस पर डालेंगे कुछ टेस्टी टॉपिंग्स। हे, आपको पिज्जा पर कौन सी टॉपिंग्स पसंद है? ओ, मुझे भी वो पसंद है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इस पर डालेंगे थोड़ा टमेटो सॉस और मेरा फेवरेट चीज। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है ढेर सारे चीज के साथ। चीज को यहाँ रख देते हैं और अब हम इस पर टॉपिंग्स डालेंगे। यहाँ है थोड़ा स्पिनच, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ है ब्लैक ऑलिव्स, वो ये पहले से कटे हुए हैं। हाँ, इसे यहाँ डालते हैं। और यहाँ है वो, पता है ये क्या है? हाँ, ये है मशरूम्स, हम इन्हें भी डालेंगे। और डालेंगे थोड़े अनियंस। और फिर जब ये एक बार तैयार हो जाए तब इसे अवन के अंदर रख दें। और थोड़ा वेट। ऐसा लगता है हमारा पिज्जा बहुत टेस्टी बना है। देखो तो। और अब हम जाकर इसे बॉक्स में रखेंगे। आ जाओ। वाओ, मेरे साथ से पिज्जा बनाकर आपने बहुत ही बढ़िया काम किया। और अब मेरा फेवरेट पार्ट। हम इस पिज्जा को खाएंगे। ये पिज्जा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। और वो इसलिए क्योंकि आपने मेरी हेल्प की। हाँ, थैंक यू सो मच। वाओ, मुझे तो बड़ा ही मजा आया शेफ होने के बारे में सीख कर और बहुत सारे टेस्टी पिज्जा बनाकर। हाँ। जरा यहाँ देखो। वाओ, यहाँ तो अलग अलग किस्म के एनिमल्स हैं। मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है। हे, क्या आपका कोई फेवरेट एनिमल है? हाँ, वो एनिमल तो मुझे भी पसंद है। ओ, देखो, यहाँ है कुछ किटी कैट्स और यहाँ है, लगता है ये एक बहुत बड़ा सा पपी डॉग है। हेलो पपी डॉग। कमाल है ना? वाओ, ये देखो, यहाँ एक बड़ा कलरफुल सा पैरट और एक बनी रैबिट।
चलो इन्हें करीब से देखते हैं। आ जाओ। ओह, जरा इस जगह को तो देखो। ये जगह एक वेटरेनियन का ऑफिस है। हाँ, एक वेटरेनियन या एक वेट। और यही इंसान ठीक करता है एक जख्मी या बीमार एनिमल्स को। हाँ। ओह, जरा देखो यहाँ पर कितने सारे प्यारे एनिमल्स हैं। हेलो। हाँ, ये एक बहुत प्यारा पपी है, पर हमें देखना होगा कि ये पपी बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे लेकर हम इसका एक MRI निकालेंगे। हाँ, एक MRI। इसका मतलब है एक स्कैनर जो मैग्नेट्स की मदद से ये इस पपी की फोटोज लेता है, पर बाहर वाली आम फोटोज नहीं जहाँ ये हंसता है, बल्कि शरीर के अंदर की फोटोज जैसे कि बोन्स, ताकि पता चले ये टूटे नहीं है और ये पपी अंदर से भी बिल्कुल ठीक है। चलो देखते हैं। ठीक है पपी। वो देखो, ये MRI दिखा रहा है अंदर का हिस्सा इस पपी के लेग का। वो ये कमाल की बात है। खैर, ये पपी तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर लगता है इस लेग में चोट आई है, तो हम इसका इलाज करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करें। सबसे पहले हमें करना होगा कि ये बैंडेज लगाना है लेग पर, तो चलो लगाते हैं। ओ, देखो हमने ये लगा दिया, हमने इस पपी का इलाज कर दिया है और अब ये बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। अब आगे हमें करना है कि इस पपी को देने हैं कुछ मेडिसिन। चलो इसे लो पपी। अफ, अफ, ये खुश है क्योंकि इसे अच्छा लग रहा है। हा, हा, हा। और आखिरी चीज हमें करनी होगी, ये कोन इसकी गर्दन पर लगाना होगा, क्योंकि कभी भी पपीज बहुत शैतान हो जाते हैं और ये अपना बैंडेज निकाल देते हैं। हम ऐसा नहीं करना चाहते, ताकि ये ठीक हो जाए। ये बहुत ही क्यूट है। हाँ, मुझे वेटरेनियन बनना बहुत पसंद है। आज वेट बनकर बड़ा ही मजा आया, क्योंकि हमें एनिमल्स के बारे में सीखने मिला और हमें इनका इलाज भी करने को मिला, है ना? वाओ, ये तो बड़ा ही कमाल है। देखो तो ये क्या है, ये है फायर ट्रक। वो फायर ट्रक्स बड़े कमाल होते हैं। आओ जरा इधर देखो, इसके व्हील्स और टायर्स बहुत ही बड़े हैं। ओह, और बहुत ही तेज हेडलाइट्स और एक मेटल बम्पर। आई एम श्योर बहुत ही मजा आता होगा इन ट्रक्स को चलाकर। आ जाओ। वाओ, बहुत ही मजा आया इस फायर ट्रक को चलाकर। यहाँ ऊपर देखो। हाँ, ये जो चीज है ये है फायर फाइटर्स साइरन। ये ऐसी आवाज करता है। हाँ, जब एक फायर फाइटर को लोगों की जान बचाने के लिए जाना पड़ता है तो वो इन हॉर्न्स को बजाते हैं और इस तरह से सबको पता चल जाता है कि शायद कहीं पर आग लगी है, हमें रास्ते से हट जाना चाहिए। हाँ, ताकि वो वहाँ जल्दी पहुँच जाए और वो भी सुरक्षित। वाओ, जरा इसे तो देखो, ये हिस्सा एक फायर ट्रक का बहुत जरूरी हिस्सा होता है और ये है एक फायर लैडर, और ये फायर ट्रक्स के बहुत ही काम में आती है जब वो लोगों को बचाने के लिए ऊंचाई पर जाते हैं और अपने होश को लेकर आग को बुझाते हैं। और देखो, ये है वो वाल्व्स जहां आप होस को लगाते हैं, पर ये एक बहुत ही बड़ा फायर होस है। ये आपके गार्डन में लगा एक आम होस जैसा नहीं है, ये बहुत 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 पावरफुल है। ये आग को बुझाता है और सबको सुरक्षित रखता है। चलो, वाओ, इसे देखो, ये है एक फायर पोल। वो ये फायर पोल बड़े काम के होते हैं, क्योंकि एक फायर हाउस में सारे फायर फाइटर्स दूसरी मंजिल पर रहा करते हैं और ये फायर ट्रक्स निचली मंजिल पर रहते हैं और वो सब इस पोल से जल्दी नीचे आ सकते हैं। हाँ, ओह, आप इसे देख रहे हो। हाँ, ये है एक फायर फाइटर्स यूनिफॉर्म। ये बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि ये फायर प्रूफ है। हाँ, अगर कोई आग में फंस जाता है तो वो बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारे कपड़े जल सकते हैं, वो आग पकड़ सकते हैं, पर एक फायर फाइटर नहीं, वो हमें बचा सकते हैं क्योंकि वो फायर प्रूफ होते हैं। हो, देख रहे हो ये हेलमेट, जरा यहाँ तो देखो। इस फायर फाइटर के सर पर एक बड़ा ही सुंदर येलो हेलमेट है।
ये इनके सर को बचाता है जब कोई भी चीज गिरती है। इसे देख रहे हो? ये है एक बड़ा शक्तिशाली फायर होज। ये बड़ा ही कमाल का है। यहाँ बहुत से अलग अलग एडजस्टमेंट वाल्व्स हैं और देखो ये इतना लंबा भी है ताकि ये बहुत तेजी से पानी छिड़क सके और पूरी फायर बुझा सके। वाह, किसे पता एक दिन आप और मैं फायर फाइटर्स बन जाए, फिर हम भी लोगों को बचा पाएंगे। पर फायर फाइटर बनने के लिए हमें बनना होगा बहुत ज्यादा ब्रेव। हाँ ब्रेव। हे, पता है ब्रेव होने का मतलब क्या होता है? हाँ, ब्रेव होना मतलब किसी चीज से डरने के बावजूद भी आप वो चीज करते हो क्योंकि आप लोगों की मदद करना चाहते हो उन्हें बचाने के लिए। हाँ, मुझे भी ऐसा काम करना है जो लोगों की मदद करता है। हाँ, तब बड़ा ही मजा आएगा। देखो हम कहाँ पर हैं। हाँ, बड़े होकर आप ये भी काम कर सकते हो। आप बन सकते हो एक नर्स। नर्स का काम बड़ा ही बढ़िया काम होता है क्योंकि आप दूसरे की मदद करते हो और कोई भी बीमार होने पर उन्हें ठीक करते हो। चलो देखते हैं कि नर्स का काम क्या होता है। हाँ, देखो तो आप देख रहे हो ठीक यहाँ पर है एक स्केलेटन। वाओ, यहाँ है बहुत सारे बोन्स। हाँ बोन्स, पता है बोन्स क्या होते हैं? हाँ, ये है अलग अलग तरह के बोन्स और बोन से ही आप इस तरह कर सकते हो। हाँ, और ऐसे खड़े रह सकते हो। हाँ, ये हमारी चमड़ी के नीचे होते हैं। बोन्स बहुत ही जरूरी होते हैं और इनका ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, बोन्स के बारे में सीखना बहुत अच्छा होता है क्योंकि जब हमारा बोन टूटता है हम नर्स के पास जाते हैं और वो हेल्प करते हैं। आ जाओ। जरा इस बॉक्स को देखो, रोशनी बहुत तेज है। तो इसकी मदद से हम एक्सरेज को देख सकते हैं। हाँ, वो मेरे हाथ में जो है ये है एक एक्सरे और ये बस एक काला सा कागज लगता है। लेकिन असल में ये एक पिक्चर है, वो भी हमारे हाथ के अंदर की, और जब हम इसे यहाँ रखते हैं तब इसे ठीक से देख सकते हैं। हाँ, हम देख सकते हैं सभी अलग अलग बोन्स जो हमारे हैंड में होते हैं। वो अपने हाथों की पिक्चर लेने से हमें बहुत ही मदद मिलती है। वो इसलिए कि जब हमारा बोन टूटता है तब नर्स कह सकती है ओ, तुम्हारा ये बोन टूटा है और चलो इसे ठीक करते हैं। ठीक है। वाओ, एक्सरेज और नर्सेस बड़े कमाल के होते हैं। वो, और अब जरा यहाँ तो देखो, जब भी आप नर्स के पास जाओ ये चीज जरूर करना और देखना कि आपकी हाइट कितनी है। देखो, मैं हूँ 5 feet और 11 inches टॉल। ये बहुत ज्यादा है। हे, जानते हो आपकी हाइट कितनी है? वो, आप भी अच्छे खासे टॉल हो और आप भी बड़े होने पर मुझसे भी ज्यादा टॉल बनोगे। शायद 5 foot 11 या 6 foot या 6 foot 1 inch या 7 foot टॉल। वो तो बहुत ही टॉल है। नर्स का काम बड़ा ही शानदार होता है। शायद एक दिन बड़ा होकर मैं भी नर्स बनूंगा और मैं बहुत से लोगों की मदद भी करूंगा। तो अब तक बहुत ही मजा आया। हे, मैं आपसे एक सेकंड में फिर मिलता हूँ। वो, आज तो बहुत ही मजा आ गया इतने सारे अलग अलग कामों के बारे में सीख कर। वो तो बहुत सारे थे। वो, हे, आपको सबसे ज्यादा कौन सा काम पसंद आया? हाँ, मुझे भी वो काम बहुत पसंद आया। आपके साथ वो काम करके बहुत मजा आया। वो, तरह वहाँ पर तो देखो, आ जाओ। वो, देख रहे हो क्या लिखा है? क्यूरियोसिटी कॉर्नर। वो, मतलब कि अब टाइम है क्यूरियोसिटी कॉर्नर का, जहाँ आप और मैं बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। पर सोच रहा हूँ आज हम क्या सीखने वाले हैं। शायद आपको और मुझे उस बात का पता लगाना होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले। स्वागत है क्यूरियोसिटी कॉर्नर में, जहाँ हम करेंगे पेंट एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर। और हमारे पास जरूरत की सारी चीजें भी हैं। यहाँ है ये पेंट्स। देखो, यहाँ 3 अलग अलग कलर्स हैं, ब्लू, येलो और रेड। ये 3 कलर्स बहुत ही जरूरी है
क्योंकि ये प्राइमरी कलर्स हैं और प्राइमरी कलर्स को मिलाकर ऐसे एक दूसरे में मिलाकर रेनबो के कलर्स बना सकते हैं। हम इनका इस्तेमाल करके एक सुंदर सी पिक्चर बनाएंगे। हमें चाहिए होगा एक पैलेट और पेंट्स और एक पेंट ब्रश। ठीक है, तो चलो पहले इसे गीला करते हैं, फिर पेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे एक प्यारा सा ऑरेंज, क्योंकि मुझे ये फ्रूट पसंद है और उसका कलर भी। तो पहले येलो लेते हैं। वो पेंट को मिक्स करने में बहुत मजा आता है। अब हम बनाएंगे एक सर्कल। वाओ, देखो हमने बनाया एक येलो सर्कल, पर हमें ये कलर नहीं चाहिए, इसलिए हम इसमें डालेंगे एक और प्राइमरी कलर, रेड। एकदम थोड़ा सा ही रेड और बहुत ही थोड़ा पानी, और अब इसे मिक्स कर सकते हैं और बनाते हैं ऑरेंज। वाओ, देखो तो ये कलर कितना सुंदर है। इसमें थोड़ा कलर है रेड और थोड़ा कलर है येलो और बहुत सारा ऑरेंज। वाओ, मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ कलर्स को सीखकर और ये प्यारी सी पिक्चर बनाकर। अब मुझे ब्रश को धो लेना चाहिए। उप्स, लगता है रास्ते में बहुत ट्रैफिक है। वाओ, मुझे तो बहुत मजा आया आपके साथ अलग अलग जॉब्स के बारे में सीखकर। वो वहाँ तो बहुत अलग अलग काम थे। खैर, अगर आज आपने अपना काम नहीं चुना तो कोई बात नहीं, उसके लिए अभी बहुत टाइम है। बस ढूंढते रहिए और खोज करते रहिए और आप तय कर लेंगे कि आपको बड़े होकर क्या बनना है। खैर, मुझे तो इन ट्रक्स के साथ बड़ा मजा आ रहा है। ये फायर ट्रक और रिसाइकलिंग ट्रक, वो और ये कंस्ट्रक्शन व्हीकल, वो भी एक्सकवेटर आर्म के साथ। खैर, ये वीडियो यही खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना होगा। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। चलिए हम जल्दी मिलते हैं।